दतिया जिले में स्थित माता रतनगढ़ मंदिर पर विशाल मेला आयोजित। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने झंडा चढ़ाया और माता की पूजा अर्चना कर आरती की। आस्था विश्वास का महाकुंभ है रतनगढ़ माता का लक्खी मेला। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहा। अनोखा आयोजन है, यहां आते ही 30 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी। सर्पदंश पीड़ितों का होता है इलाज। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अनुभाग सेवड़ा में विंध्य पर्वत की सिंध नदी के तट पर एक ऊंचे पहाड़ पर विराजमान है रतनगढ़ माता। सिंध नदी के किनारे चंबल के घने जंगलों में रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली के दो से लगने वाले लक्खी मेला दिवाली की रात से ही प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ष मेला इतना विशाल रहा कि इसके 3 दिन तक चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तीसरे दिन सुबह के समय भी श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहा। दीपावली तोज के अवसर पर यानी भाई दूज पर विशेष मेला सेवड़ा अनुभाग की माता रतनगढ़ पर वर्षों से आयोजित होता है, जिसमें 30 से 35 लाख के ऊपर के श्रद्धालु के आने की संभावना बनी रहती है। यह आयोजन देश के सबसे बड़े मेले के रूप में आता है। इस बार कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने रतनगढ़ माता मेले में बहुत शानदार तैयारियां की थी, जिसमें पूरा मेला परिसर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। 40 से 50 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मेले अवधि में कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और रतनगढ़ मंदिर पर ही मौजूद रहे और सतत निगरानी करते रहे।